छपा हुआ है यार सब कुछ ऑटो स्पेलिंग में पैसे जमा कराओ मिलेगा आपको लिखा हुआ हो गया ना तो अभी 4:15 बजे आप बंद करेंगे ना अभी तो बताया तो था हेलो तेरे को समझ आया जो ये पूछ रही है ये पूछ रही है ट्रूथ टेलिंग प्लेन और नेचर पार्ट टू में क्या अंतर है इसको समझ आया ये सुनो सुनो वॉच माने मजबूरी है मजबूरी है और मजबूरी में आप बता रहे हो और ऐसी चीजें बता रहे हैं प्राइवेट चीजें बता रहे हैं जो कि आप नॉर्मल कस्टम पॉलिसी का नहीं बन सकते अपने आप को पूरा खोल रहे हो नेकेड तो मतलब होता है ना कपड़े उतार के अपने आप को मतलब हम शर्ट उतारते हैं फिर भी हम कहते हैं वो नेकेड हो गया लेकिन अगर बिल्कुल अंडरवियर वगैरह सभी उतार देते हैं फिर तो और भी ज्यादा नेकेड यानी बिल्कुल ही अपना लेकिन फिर हम नेकेड भी उसको कवर कर इंचेस को बचाया जा सकता है बाद में भी पर ये जो चीजें हैं ब्रेस्ट व्रेस्ट ये पर ये इनको नहीं बचाया जा सकता और ब्रेन ट्रूथ में तो क्या होता है उसमें इमोशन मछली से रिपोर्ट ही होती है जैसे टीवी के न्यूज एंकर आपको बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ पर आजकल नहीं बताते हैं आजकल तो बताना लगा के बताते हैं आजकल तो वो एक्साइटमेंट देके बताते हैं आजकल तो अगर एक इंसान को पिन भी चुप गई होगी तो ब्रेकिंग न्यूज आज एक बड़ा डबल फाइन स्कूल बहुत भयानक घटना हुई उस महिला के उंगली में बटन लगाते हुए सुई चुभी और उसके आगे एक बूंद बूंद निकला और देखते ही वो घबरा गई आजकल तो ऐसे बताते पहले जब शर्मा होती थी पहले शर्मा सुल्तान वो तो उसका पता ही नहीं लगता था जिंदा बैठी है मुर्दा बैठी वो तो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन चेहरे पे नहीं होता था वो बस खोलती चली जाती तो वो नेचुरल ट्रूथ थी प्लेन ट्रूथ थी आप बताओ उसका क्या कहना है दिल्ली के इस टाइम पे इतने ये रिपोर्टर आते हैं कि वो तो प्लेन बोलते हैं बाकी का बोलते हैं पहले प्लेन बोलते थे आजकल तो मसाला लगाते हैं नहीं सर प्राइवेट में ज्यादा मसाला लगाते हैं अभी भी दिल्ली में प्लेन ही हाँ दिल्ली तो बनी समझ आ गया चलो थैंक्स फॉर एवरीवन और मैं जो उल्टा पुल्टा जो आपको लगा हो मैंने बुलाया तो उसको भूल जाओ ऐसा मेरा कोई इंटेंशन कभी भी किसी को कुछ भी गलत बोलना या उसको इंसल्ट करना या इंसल्ट करना या उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है पर मेरे काम होता है कि जो मैं ठीक समझता हूँ फिर मैं उसको बोलता हूँ तो उसको कोई भी नेगेटिव सेंस में ना ले ठीक है so, We have touched so many important topics. Rather, sir has touched so many important topics in these 3 days, right from permanent cure to different homeopathic concepts, reverse order, everything we have seen over here, which he has very well explained it to us. So I think इससे ज़्यादा homeopathy की study क्या हो सकती है? Sir के साथ बैठकर 3 दिन जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है पढ़ा है तो सर वी होप दैट ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा नेक्स्ट टाइम फिर हम ऐसी ही स्टडी करेंगे ऐसी स्टडी नहीं करेंगे इसमें बहुत ज्यादा अच्छी वाली करेंगे मतलब मेरी भी तो अगर कुछ बढ़ेगी ना सर अभी कुछ नहीं बनेगी अच्छा आपको लगता है मैं सत्या जाऊंगा इसकी आपको कुछ समझाया नहीं अभी सर एक झलक दिखाई है अगर आप मैं जब सच बोलने लगूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा एक ही टॉपिक को मैं 3 दिन बोलूंगा मैं आपके साथ आपकी वजह से उसको रुक जाता हूँ अभी तो फिर भी मैं आपको समझता हूँ बड़ी आपकी दया दी है कि आपने उसको काफी पॉइंट ऑफ व्यू बोलने दिया तो ये दिस इज योर माइंड मैं बोल रहा हूँ
तो फिर आगे अगले सेमिनार में हम इससे ज्यादा एक ही वर्ड को और ज्यादा गहराई से, जैसे आपको इस बार कलर स्कीम मैंने समझाई, तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी कलर स्कीम इससे ज्यादा गहराई से किसी भी बुक में लिखी गई होगी। तो आगे हम इससे और बहुत गहरे ग्रेड्स थी, इसके आगे इसकी फाइनल शेप गुलाबी क्या होता है, हरा कलर क्या होता है, वायलेट का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ से आता है, हमारे जीवन में क्या चलता है, कोई लड़की वायलेट क्यों पहनती है और कोई लड़की रेड क्यों पहनती है, उसके साथ उसका फैमिली और उसके जो पीछे की लाइफ है उसका क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें जुड़ी होती है। वो अगर समझ आएंगे तो दवाइयाँ आपको स्प्लिट ऑफ सेकंड में समझ आएंगी, क्योंकि पूरा यूनिवर्स इज कनेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, पूरा होल यूनिवर्स इज नॉट ए डेड थिंग, इट इज वन ऑर्गेनिज्म, जिंदा है ये, और हम उसमें एक सेल नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म समझते हो, सेल के अंदर जो एक ऑर्गन होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, हम उसका इतना छोटा, उससे भी छोटा हिस्सा है उसी विराट की चीज का, समझ आ रहा है? तो आपको वो उस लेवल पे जाओगे तो उसे विराट का सब चीज समझ आएगा। सफर करेंगे अगले स्टेज के, तो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग विच यू हैव गिवन अस। तो अभी आप लोग कुछ कुछ बोल रहे हो या मैं बदल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, या आप बोल रहे हो, धन्यवाद सभी का। Regularly, regular time.